लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है, बावजूद इसके यहां के कारोबारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू की खबरों से कारोबार आधा हो चुका है, तो वहीं कुछ कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। बहरहाल बर्ड फ्लू की खबरों से लोग दहशत में हैं, जिससे मांस का कारोबार दिन प्रतिदिन ढलता नजर आ रहा है। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें, कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, अपना हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा, जो नॉनवेज खाते हैं लोग, जो मीट खाते हैं, उनके लिए है कि जो रॉ मीट होता है उसको अच्छे से वॉश कर लें, और दोनों को, जो कुक्ड मीट है या रॉ है, दोनों को अलग अलग यूटेंसिल्स में, बर्तनों में अलग अलग रखेंगे, तो उससे साफ़ सफाई के ध्यान से इससे बचा जा सकता है। तीसरा क्या है, देखिए जैसे कि कोई भी वायरल डिजीज़ है, वायरस है, तो इसमें फ्लू सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका कोल्ड होना, खांसी जुकाम होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ठीक है, थकान लगना, ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें देखने को मिलेंगी। 20-25% का फर्क है, वैसे इसमें बड़ा फूल नहीं। गुजरात के, राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं, उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर, अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फर्क है दुकानदारी पे, 20-25%, वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल यू है, ये करीबन 80% बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ग्राहक जो आने वाले थे तो वो नहीं आ पा रहे, स्थिति कुछ ऐसी है।